तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए ब्यूटी टिप्स लाते रहे। एक ग्लोई और निखरी हुई स्किन चाहिए तो ये अमेजिंग टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, उन्हीं को सिर्फ आपको फॉलो करना है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में रूटीन चेंज करके इन टिप्स को फॉलो करोगे, एक अपने रूटीन में डालोगे, तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हमें स्किन टोन निखारने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए हमारा हेल्दी डाइट। अगर आपका डाइट अच्छा हो तो अपने आप आपके चेहरे पे, आपके स्किन पर दिखेगा। तो डाइट में इंक्लूड कीजिए डेली बेसिस पे आप सीजनल फ्रूट्स खाना। सीजनल फ्रूट्स में दोस्तों जो आपका ऑरेंज होता है, जो सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स होते हैं, उनको पहले इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। बेरीज है, ऑरेंजेस है, ये आपको नेचुरली अंदर से हील करेंगे। बिकॉज डाइट में जब आप इंक्लूड करते हो, त्वचा कैसी होती है, त्वचा ही अपनी ऊपरी परत है, लेकिन अंदर से अगर अपनी बॉडी ज्यादा हील रहेगी, हेल्दी रहेगी, तो ही आउटर पार्ट पे लेयर में आपको चमक दिखेगी। चेंज पहले ये करना है, इंटरनली हील करना है। एग्जैक्टली, विटामिन सी से भरपूर आप फ्रूट्स खाइए, जैसे स्ट्रॉबेरी है, नींबू है, ऑरेंजेस है, पाइनएप्पल है, बेरीज है, बहुत सारे ढेर सारे फ्रूट्स आते हैं जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगर आप विटामिन सी रिच फ्रूट खाओगे तो आपके स्किन पे दिखेगा। सेकंड, बीटा कैरोटीन वाले को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने, जिसमें कैरेट्स है, बीट रूट है, उसकी वजह से जो आपका मेलानिन का प्रोडक्शन जो होता है वो स्किन से कम होता है और स्किन का टोन निखरता है। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नींद जो है आपकी वो कंप्लीट कीजिए। 6 to 8 hours की डेली रूटीन की जो आपकी स्लीप है वो 100% आपको कंप्लीट चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है तो दूसरे दिन आपके चेहरे पे तुरंत समझ में आता है, उसकी वजह से आपका स्किन जो है ना वो डल हो जाता है, स्किन डलनेस आ जाएगा, रूखा रूखा लगेगा। तो स्लीप डायरेक्टली कोरिलेट करती है स्किन टोन से। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। दोस्तों, आज की हमारी भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस को कंट्रोल करना और हैप्पी रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करना है तो एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। 30 मिनट्स का डेली वॉक इवनिंग में या मॉर्निंग में, कोई भी आपके रूटीन में आप उसको ऐड कर दो। जिम नहीं जा पाते हर कोई, उसको ऐड कर दोगे तभी भी क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस आपका कम होगा और आप ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप अंदर से हैप्पी है वो आपके स्किन पे दिखेगा। अपनी स्किन जो है ना अपनी आप बता देती है, अगर आप वो हैप्पी हो तो स्किन निखरती है, ग्लो करती है। हाइड्रेशन मतलब पानी ज्यादा पीना, या पानी जितनी मात्रा में शरीर को चाहिए उतना पानी पीना कंपलसरी होता है। स्किन हमारी मुलायम कैसे रहेगी या स्किन में ग्लो कैसे आएगा, आएगा तो वो स्किन हाइड्रेट होने की वजह से। अब डेली रूटीन में हमें चाहिए 2 से 3 लीटर का पानी। आपके वजन के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, जितना भी पानी आपको चाहिए वो कंपलसरी रूटीन में लाइए। चाहिए तो उसके लिए मोबाइल पे अलार्म लगा लीजिए हर 2 घंटे का कि आपको एक 200 ml का एक ग्लास पानी पीना है। उतना अगर आप 7 days के लिए भी दोस्तों फॉलो करोगे ना, 100% आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। सन डैमेज होता है, सन डैमेज की वजह से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से भी आप जो अपना स्किन टोन है, एक्चुअल जो स्किन टोन है वो खो सकते हैं। उसके लिए हमें सन से प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी होता है। इसमें सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, सन ब्लॉक क्रीम यूज कर सकते हो, जो भी आपके स्किन को सूट करता है वो 100% लगाना जरूरी है। अगर आप सन में एक्सपोजर करते हो, सन में जाते हो, बाहर जाते हो, तो बाहर जाने के टाइम पे कंपलसरी आपको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है दोस्तों, ये समझ लीजिए। अभी बात करते हैं रेमेडी के बारे में, समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा और कितने दिन के लिए इसे करना पड़ेगा। अभी हमने स्किन के बारे में समझ लिया, उसको कैसे हम अंदर से हील करते हैं उसके बारे में समझ लिया। अभी टॉपिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, रेमेडी कैसे लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। रेमेडी के लिए हमें लगने वाला है राइस फ्लोर। अगर आपके घर पे राइस फ्लोर नहीं है तो राइस को अच्छे से वॉश करो, उसे सुखाओ और मिक्सर में उसे पीस लो। छानने के बाद में जो पतला पाउडर निकलेगा वो हमें चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। 3 teaspoon राइस फ्लोर लगेगा, 3 teaspoon दही लगेगा, उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसमें आप चाहो तो 3-4 drops लेमन जूस डाल सकते हो। अगर लेमन जूस नहीं डालना है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रोज वाटर डाल दीजिए उसमें। ये जो मिक्सर हमने बनाया है वो 7 days हमें चलने वाला है। इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आपको फ्रिज में रखना है और एवरी डे आफ्टर योर फेस वॉश इसे अप्लाई करना है, 20 मिनट्स रखना है। उसके बाद में आपको ठंडे पानी से वॉश करना है आपका चेहरा। तो दोस्तों, स्किन व्हाइटनिंग के लिए राइस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत से प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि राइस को यूज करते हैं। राइस क्या करता है, राइस नेचुरली आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है, आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। अगर एक्सफोलिएट करना है, स्क्रबिंग करनी है, तो एक्सफोलिएट भी कर देता है, डेड स्किन जो है वो आपकी उसको निकालने में मदद करता है। और एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है राइस, सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है आपकी स्किन को स्मूथ, लाइट और चमकदार बनाने के लिए। एग्जैक्टली, लेमन हम यूज करने वाले हैं। लेमन में भी ब्लीचिंग का इफेक्ट होता है, लेमन से आपकी स्किन क्लियर होती है, जो डार्क स्पॉट्स है, ब्राउन स्पॉट्स है, वो हमारे निकल जाते हैं, लेमन से स्किन ग्लो करती है।
अगर आप लेमन नहीं यूज़ करना चाहते हो, बाय एनी चांस अगर आपको लेमन की रिएक्शन होती है, तो आप रोज वाटर भी इसमें यूज कर सकते हो। तीसरी चीज जो हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन की जो टैनिंग होता है वो निकालने का काम करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है और जो टैनिंग है वो हमेशा के लिए निकल जाएगी अगर कर्ड का यूज आप करोगे हमेशा रेगुलरली। दोस्तों अगर ये फेस पैक 7 दिन के लिए जो आप बना के रखने वाले हो उसको डेली नाइट में सोने से पहले लगा लो, मूवीज देख रहे हो, बिंग वॉच कर रहे हो, उसके पहले लगा लो, 20 मिनट तक उसको रखो, 20 मिनट के बाद में इसको वॉश कर दो, 7 डेज के लिए कंसिस्टेंसली अगर आप इसको यूज करोगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। एक निखरी हुई गोरी गोरी त्वचा आपकी दिखेगी, स्किन टोन आपका इंप्रूव होगा और आपको अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। अगर इस नेचुरल रेमेडी के साथ में आपको टॉपिकल एप्लीकेशन भी यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो। टॉपिकल एप्लीकेशन में विटामिन सी का जो सीरम है, जी हाँ, वो आप लगा सकते हो, लेकिन एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा, डायरेक्टली मत लगाएगा, आपकी स्किन टोन है वो हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा है स्किन व्हाइटनिंग के बारे में, जो हमने रेमेडी बताई है वो आप जरूर घर पर यूज कीजिए और यूज करने के बाद में जो इफेक्ट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको है जिनके लिए आपको होम रेमेडी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो हम जरूर आपको बना के दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका ढेर सारा प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है ऐसे ही बना के रखिए। साइनिंग ऑफ अमर गोगटे, अनु गोगटे, जय हिंद।